एक पश्चिम का विचारक था जॉर्ज माइस। वह इंडिया आया हुआ था। वह जैसे ही दिल्ली के स्टेशन पर उतरा, एक सरदार जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और जल्दी से बिना उसके कहे वह बताने लगा उसका भविष्य और अतीत और जन्म और मृत्यु और रेखाओं का अर्थ। उस जॉर्ज माइस ने कहा, क्षमा करिए, मैं जानना ही नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं जानना चाहता, आप माफ करिए, मुझे भविष्य को जानने की कोई उत्सुकता नहीं है। मैं अभी जीना चाहता हूँ। इसी क्षण जब भविष्य आएगा तब फिर जीऊंगा। अभी तो भविष्य आया नहीं है, इसलिए उसकी फिक्र बकवास में समय नहीं खोना मुझे। मैं अभी जीना चाहता हूँ। तो सरदार ने कहा, मटेरियलिस्ट हो तुम, अभी जीना चाहते हो? जॉर्ज ने कहा, माफ करिए, मैं सिर्फ शिष्टावश अपना हाथ आपसे नहीं छुड़ा रहा हूँ। मैं जाना ही नहीं चाहता। लेकिन सरदार ने कहा, मेरी 2 रुपया फीस हो गई है। इतनी देर मैंने बताया, 2 रुपया मेरी फीस दे दीजिए। जॉर्ज ने 2 रुपया फीस दे दी। सरदार फिर और आगे बोलने लगा। जॉर्ज ने कहा, माफ करिए, आपकी फीस फिर हो जाएगी और मैं जाना ही नहीं चाहता। सरदार ने कहा, तुम मटेरियलिस्ट हो, 2 रुपया के पीछे भविष्य भी नहीं जानना चाहते। जॉर्ज माइस ने अपने संस्मरण में लिखा है कि मटेरियलिस्ट कौन था। मैं समझ ही नहीं पाया, मैं या वे आदमी जो बता रहा था भविष्य।